पद्मा चाची, आप मुझे यहाँ ले आई, आपने मुझे अभी तक दुल्हन से भी नहीं मिल पाया। अरे बेटा, वो दूसरे कमरे में है, उससे बाद में मिल लेना। पहले तू जल्दी से तैयार हो जा, इन फालतू बातों में वक्त मत कर। ये ले। पद्मा चाची, ये साड़ी तो काफी भारी है। अरे बेटा, तू सहपाला है, पूरी शादी में दुल्हन के पास बैठने वाली है। गौरी, बेटा तैयार हो गई? जल्दी करो, देर हो रही है, मुहूर्त का वक्त हो चला है। मैं देखती हूँ, तो तैयार हो जा। अरे दूल्हे की अम्मा, आपके बेटे की दुल्हन ने तो अभी अभी सजना शुरू किया है, थोड़ा सब्र कीजिए, ये दुल्हन वक्त लगाएगी। दूसरी शादी जो होने जा रही है तुम्हारे बेचारे बेटे से। गौरी नहीं आई अभी तक, पता नहीं कहाँ रह गई। भैया, शादी के दिन तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वैसे भी थोड़ा धीरज धरो दूल्हे राजा। वो तो ठीक है मंत्रा, लेकिन राम बेटा, परेशान मत हो। पंडित जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? मंत्र शुरू कीजिए। हरे ओम माधो हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति। मेरी बीवी अंदर। शुक्लां वरधरं देवं सदिवर्णं चतुर्भुजम्। गौरी, तू खुद आ गया? मेरी बीवी का कहाँ है? गौरी, बता गौरी कहाँ? तू है मेरी गौरी, क्या समझा? गौरी मेरी पत्नी है, तू पागल वागल है क्या? झूठ बोला तू, हासिल करना चाहता है इसके, झूठ बोल रहा है। एक बार भी गौरी का नाम अपने मुंह से लिया ना, तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। चाहती हुई है मेरी, उससे समझा तू? झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। गौरी, ये कर क्या रहे हो तुम? अभय, 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 तुम गौरी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अभय सुनो, शंकर और पार्वती की चोरी को कोई अलग नहीं कर पाया था, पर हरिद्वार के रुद्र और गौरी को मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगा। गौरी, अपनी आखिरी सांस निकलने के लिए तैयार हो जाओ।